एस्पायर इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमी अश्विन श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित ब्रेन ऑफ हिमाचल परीक्षा में अव्वल आए विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एस्पायर एकेडमी द्वारा प्रदेश में 7 अक्टूबर को ब्रेन ऑफ हिमाचल के नाम से परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर से 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। रविवार को एस्पायर एकेडमी द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में ब्रेन ऑफ हिमाचल में अव्वल आए विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि अश्विन श्रीवास्तव ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस परीक्षा में रोहन गुप्ता ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि वत्सल शर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान इंस्टीट्यूट द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें 5 जिलों से 117 स्कूलों से 3,551 बच्चों ने भाग लिया। वहीं एस्पायर इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार मीना ने बताया कि इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे ब्रेन ऑफ हिमाचल का अवार्ड फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें पूरे हिमाचल से 5 डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, और 5 डिस्ट्रिक्ट से 3,051 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आज उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं। बच्चे अलग अलग जगह से यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग स्कूल से 117 स्कूल से पार्टिसिपेट किया है, और उनमें से काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं जो अवार्ड विनर्स हैं, तो उनको हम लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। साथ में हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो हमारे एलुमनाई हैं जो IITs में, NITs में या फिर डिफरेंट MBBS इंस्टीट्यूट्स में, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, उनको बुलाया ताकि वो 10th क्लास के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनको मोटिवेट करें, और ये हम करियर काउंसलिंग रखी है आज 10th क्लास के बच्चों के लिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो बच्चा है, बेसिकली हिमाचल का बच्चा, थोड़ा हमें थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन है यहाँ पे। आप देखोगे कि ब्रेनी जो बच्चा है काफ़ी ब्रेनी है, बट लैक ऑफ मोटिवेशन हमें लगता है। तो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके जो हीरोज़ हैं, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो अभी गए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, वो बच्चे आके इंटरेक्ट करेंगे, जो हीरोज़ देखेंगे, जब उनको लगेगा कि नहीं इन्होंने कुछ अचीव किया, तो बच्चे मोटिवेट होंगे। तो मेन उद्देश्य जो है वो मोटिवेशन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।